अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के कीमे वाले समोसे, बहुत टेस्टी बनते हैं और इसको बनाते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलेंगे इसे मिल के बनाते हैं। और यहाँ पे देखें जी, चिकन के कीमे के मैं समोसे बनाने लगी हूँ तो सबसे पहले 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है अच्छी तरह। और यहाँ पे देखें जी, लहसुन और अदरक को ऑयल में फ्राई होते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 किलो के जितना ये चिकन का कीमा है इसमें चला जाएगा। और चिकन का कीमा डालते साथ इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं डाल दूँगी नमक का। मिर्च मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैं डाल दूँगी कुटी हुई मिर्च। 1 ही टीस्पून इसमें चला जाएगा साबुत ज़ीरा, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है। और 1 टीस्पून इसमें चली जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैं डाल दूँगी पिसी हुई रेड मिर्च। और 1 टीस्पून भर के इसमें मैं डाल दूँगी चिकन का पाउडर। अगर आपके पास चिकन का पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी तोड़ के इस पॉइंट पे इसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और पहले हम इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसको 2-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे क्योंकि चिकन का कीमा ये तो फौरन भूनते भूनते गल जाएगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी गर्म मसाला। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात हमेशा की तरह वो एक ही है कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। और रमज़ान में जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है प्लीज़ मेरी सेहत के लिए भी लाजमी दुआ करें। और यहाँ पे कीमे को भूनने का मकसद ये है कि जो चिकन की हीट होती है वो ख़त्म हो जाए। और एक और बात कि खाने को आप जितनी चाहत और मोहब्बत से बनाएंगे खाना हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे देखें जी, इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि जो हमारा कीमा है हल्की सी जो कसर रह गई है गलने में वो भी पूरी हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, चिकन के कीमे को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका मैं कवर उठाती हूँ और कीमे की भुनाई भी अच्छी सी हो गई है और कीमा गल भी गया है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने ले लेना है खुले मुंह वाला बर्तन और इसके अंदर हम इस कीमे को ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और बाकी की चीज़ें भी इसमें हम ऐड करेंगे। और इस पॉइंट पे हम इसके अंदर एक लेमन निचोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे तो बहुत इसका मज़े का टेस्ट आएगा। इसको कर लेना है मिक्स। 2-3 मिनट मज़ीद इसके मैं ठंडा होने का वेट करती हूँ, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। और यहाँ पे देखें जी, कीमा भी हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगी वो मैंने बिल्कुल बारीक प्याज काट लिया, ये बहुत अहम टिप है। बिल्कुल बारीक मैंने आमलेट वाला प्याज काट लिया, नीचे भी इसके टिश्यू पेपर रख दिया था और ऊपर भी रख दिया था ताकि जितना मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर जो है वो जज्ब कर ले। और अब यहाँ पर प्याज को इसके अंदर मैं डाल दूँगी और यहाँ पे 1 प्याली भर के सब्ज़ धनिया मैंने बारीक काट लिया था वो इसमें चला जाएगा। और इतना सब्ज़ धनिया ये मैंने अपने किचन गार्डन से काटा है। अभी ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम यहाँ पे इसको कर लेंगे मिक्स। इस पॉइंट पे अगर आपको अपने मसाले कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मज़ीद 2-4 मिनट इसको मैं ठंडा होने दूँगी, फिर हम समोसों की करेंगे फीलिंग, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें जी, फीलिंग हमारी ठंडी हो गई है और ठंडी होने पे ही हम इसके समोसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लिया, 1/2 कप इसमें पानी डाल दिया और इसकी एक लई सी तैयार कर ली। समोसा पट्टी यहाँ पे मैंने ले ली है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और बहुत आसानी के साथ हमारे समोसे जो हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग डाल दूँगी, ज़्यादा भी नहीं भरनी। और इसके चारों साइडों पे ये जो मैंने मैदे की लई बना के रखी हुई है इस पे लगा दूँगी। इस पे लगाने के बाद इसको यहाँ से मैं कर दूँगी फोल्ड। समोसा हमारा तैयार हो गया, सारे मैं इसी तरह बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, समोसों की फिलिंग मुकम्मल हो गई है। कुछ को मैं अभी फ्राई करूँगी, कुछ को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ज़रूरत पड़ेगी इसको फ्राई कर लेंगे।
और यहाँ पे देखें जी ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम समोसे फ्राई करते हैं और ज़्यादा तेज़ आग नहीं होनी चाहिए, हल्की आग पे हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखें जी एक साइड को फ्राई होते तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। आप इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। और यहाँ पे देखें जी समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं और इसकी फ्राइंग का टाइम तकरीबन 5 से 8 मिनट के दरमियान में, हल्की आग पे मैंने इनको फ्राई कर दिया है। इसको मैं निकाल देती हूँ, बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ऑयल इसका अच्छी तरह हमने ड्रेन कर लेना है। इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार से हमारे चिकन समोसे बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।